पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को अब जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। वह अभी तक एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बयान दिया है कि वे जल्द ही मेहुल चौकसी की नागरिकता रद्द करने वाले हैं। उनके मुताबिक भारत की ओर से लगातार इसको लेकर उन पर दबाव बनाया गया और इसी के साथ ही मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। पीएनबी घोटाले के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप था। ये मामला 2018 में सामने आया था और तभी से ही विपक्ष के इस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरे हुए है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का कहना है कि मेहुल चौकसी को पहले यहाँ की नागरिकता मिली हुई थी, लेकिन अब उसे पूरी तरह से रद्द करेंगे और उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने देश में नहीं रखा जाएगा जिस पर किसी भी तरह के दूसरे देश में आरोप लगे हों। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।